प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी रिम्बिक लोधोमा धोत्रे फरेस्ट क्षेत्र टाइगर हिल साथै जोरबंगलो क्षेत्रमा गत 26 फरवरीको रातिदेखि भारी हिमपात भएको छ। मौसममा आएको यस परिवर्तनले क्षेत्रका जनजीवन अस्तव्यस्त रहेको छ भने रिम्बिकदेखि धोत्रे हुँदै दार्जिलिङ पुग्ने बाटो हिमपातको कारण प्राय सम्पूर्ण यातायात ठप्प रहेको जानकारी अघि आएको छ। मौसम परिवर्तनको कारण चिसो बढे तापनि विशेष टाइगर हिल साथै धोत्रे पर्यटकीय क्षेत्र रहेकोले त्यहाँ भ्रमणमा आएका पर्यटकहरूले हिमपातको आनन्द लिइरहेको दृश्यहरू देखिएको छ। तपाईको शुभ नाम? तपाईको? तपाईको? ए तपाईहरू यता घुम्ने आउनुभयो कि गाडी लिएर आउनुभयो? पर्यटक लिएर आउनुभयो। तपाईँहरू यो दार्जिलिङमा निकै वर्षभयो गाडी कुदाउनु हुँदैछ। टाइगर हिलमा लास्ट तपाईँको प्रोफेसनमा ड्राइभिङ प्रोफेसनमा यतिको हिउँ कहिले हेर्नुभयो? यतिको हिउँ त हामीले हेरेको त 2007 2007 मतलब दिगो 13 इयर्स पछि यस्तो हिउँ, मतलब यो बिचमा यतिको हिउँ टाइगर हिलमा मतलब उपलब्ध थिएन। टुरिस्टको परिमाणले कस्तो छ? टुरिस्ट अहिले अब यो हिउँले गर्दा चाहिँ अलिक हाम्रो आगमन हुन्छ होला टुरिस्टहरूको है। तपाईँलाई के लाग्छ यो हिउँ दुई चार दिन बस्छ? दुई चार दिन त होइन, यो आज भोलिसम्म चाहिँ बस्छ, भोलिसम्म बस्छ। केही टेन्सन छैन भाइ, वाइफर चला वाइफर चला वाइफर चला। तिमीले आफ्नो जग्गामा सुत्दै गर, म मेरो क्यामेरा नि कसरी खटाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ म जान्दैछु, बुझ्यो? একদিন রাখলো দাদা, আপনি একটা টুরিস্ট একটু এদিকে আসুন না দাদা। আপনার কাছে জামশেদপুর সে স্নো কে বারে আপ কিছু বলেন? টাইগার হিল মে স্নো হ্যাঁ, আর আপ পহলা বার দার্জিলিং আয়ে ঘুমনে? कैसे लग रहा है? तो कब आया दार्जिलिंग? हम लोग 26 को आए हैं। 26 को है, 29 तक है, 29 तक है, मतलब 25 को आया, आज तो 26 होंगे ना? आज ही आए, आज ही आया। तो आने के बाद ही दार्जिलिंग टाइगर हिल में अपने बर्फ मिला एकदम। क्या बताएंगे इसको अनुभूति? बहुत अच्छा है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हाँ बस सुबह का सनराइज मिस हो गया। अच्छा, हो जाएगा फिर, अभी 29 तक है। आपके नाम? कहाँ से आप? जमशेदपुर। तो हिमबाड़ी में आपको कैसे लग रहे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यह हाल छोड़े খুলে দেব।
करेंगे लाइक करने के लिए। हम यही गाड़ी घुमाएंगे, गाड़ी ऊपर नहीं जाएगा शायद। एक्सीन यहाँ पे चल बेटा ब्याग गर्छु ल, न्यूज हाल्नु पर्छ। भाइ मजाले स्टिल फोटो ले, स्टिल फोटो ले 8-10 वटा। ए फोटो ले, चल बेटा निकल पड़े, निकल पड़े, अटक जाएगा तारक, मुश्किल हो जाएगा। दामी बोलिए एकछिन रोके बस लेफ्ट साइड नजर पानी पर्छ भिक्षामा क्यामेरा भिक्षा जन भाउजूलाई लिएर भोलि आइज ल। हरन बजाउने छैन केही छैन, अब भन् त्यसलाई कस्तो खालको मान्छे कदाच्यो त मान्छे। पूरा बर्फ जमा हुआ है लेकिन ये पानी के कारण बर्फ अभी तक फ्रीजिंग नहीं हुआ है। अच्छा, तो पूरा टीम लेके थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है जी, क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट लोग गाड़ी लेके एकदम ऊपर तक जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन गाड़ी तो नहीं जा पा रहा है ऊपर, गाड़ी तक नहीं जा पा रहा है। हम लोग वहीं से पैदल देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग वहाँ से पैदल जाएंगे? आप लोगों को कितना आदमी का टीम अभी रेडी होके जा रहा है ऊपर में? अभी सिविक है 6। अच्छा, और 2 ऑफिसर और 3 सिविक है। अच्छा अच्छा, इतना ही। मतलब आप तो यहाँ पे पोस्टिंग जोरबंगला थाना में पोस्टिंग है? जोरबंगला थाना में। आपका नाम क्या बताया था? एसआई प्रदीप राय।
धन्यवाद प्रदीप जी, थैंक यू। देखिँदैछ एक इन्ची लगभग एक इन्ची लगभग उहाँहरूलाई भन्दैछन् हिउँ हिउँ हुँदैछ। भाइको नाम? मेरो दिपङ्कर राई। कहाँको भाइ? म तकदा कमान। तकदा कमान के युएन आएको? हजुर। ए टुरिस्ट पनि लिएर आएको थियो? हजुर, टुरिस्ट पनि लिएर आएको। ए हुन्छ भाइ, थ्याङ्क यू भाइ। दर्शकबिन त हेरिहाल्नु भयो तपाईँहरू, कहाँ तकदा कमान कहाँ कहाँबाट पनि लोकल मान्छेले पनि यो हिउँ रमाइलोको निम्ति आइरहेको छ जस्तो हामी देख्दैछौँ।